वेल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? आई विश सबके सब बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर बात हो रही है बनी को लेके। कल मैंने सुना कि उसके दाने बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए थे, बट अब छोटे छोटे हो गए हैं। आई थिंक डॉक्टर सही थे, एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, वरना फिर ओवर थिंकिंग चलती रहती है माइंड में। बाकी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, सब कुछ हो गया, डन 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 डन। अब हम जा रहे हैं भैया, हमें करना है ब्रश व्रश, क्योंकि आज हमें जल्दी से रेडी होकर सारे काम निपटाने। कल दादी कोलकाता वापस जा रही हैं, इसलिए तो मिलते हैं। तो क्या करूं? ये इनका प्यार नहीं तो और क्या है? चलिए। वेल गाइस, नहा धो के आ गए। पहले तो पंखा चलाओ यार। हाँ, वो क्या है ना, नहाने धोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना नहाओ उतना और गर्मी लगती है। 2 दिन बारिश ही, मौसम बढ़िया था, आज बारिश नहीं हुई, मौसम की फिर से ऐसी की तैसी हो गई। जो भी यार, चलो हम तो रेडी हो गए फाइनली। भाई जैसा कि तुम देख सकते हो, हम हो गए हैं रेडी। और सच बताऊँ, ये जो टी शर्ट है ना, मुझे लगा था कि भाई इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, बट सही है यार। जैसे ही मैंने शूज़, मतलब तुम देख रहे हो जो शूज़ होते हैं वो तुम्हारा लेवल अप कैसे करते हैं, जैसे ही मैंने शूज़ डाले, मेरा ओवरऑल लुक पूरा बदल गया। बस ये नन्हे मुन्ने जूतों की वजह से पूरा लुक चेंज हो गया। अभी तक मैं इस टी शर्ट में बहुत नॉर्मल और अजीब सा लग रहा था, बट शूज़ के साथ ही मैं थोड़ा सा, मतलब जो भी है, मतलब कैजुअली है बट सही लगने लग गया। इसलिए बोलते हैं, लेवल अप के लिए अच्छे जूते ज़रूरी हैं, समझे? अब हम जा रहे हैं, हमें जाना है, आज हमें दादी का सामान लेके आना है। ठीक है, चलो बाय बाय, दरवाज़ा बंद कर लेना भाई। ये देखो भाई, यहाँ का काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। ये देखो दी चुन्नू मुन्नू, पर इनके पास नहीं जाऊँगा, इसकी मम्मी भौंकती है, काटने को आती मेरे को। यार शर्मा जी ने भुट्टे लाने के लिए बोला था, पर भुट्टे तो कहीं मिले ही नहीं पूरे रास्ते में। अब चलते हैं फिर उन्हीं के घर। गाइस फाइनली, इन लोगों के 10 घंटे सोने के बाद अब हम जा रहे हैं भुट्टा लेने। कॉर्न, हम कॉर्न लेने जा रहे हैं, कॉर्न। तो यहाँ का कुछ करो यार। हाँ, ये सारा अंधेरे में पड़ा रहता है, डर लगता है मेरे को, गलती से पैर वैर पड़ गया इसके ऊपर। इसका तो अगल बगल कोई दिख भी नहीं रहा, चलो उठा लेते हैं। तो ये कैसे खड़ा कर रखा है बीच में? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोंडा। बेचारा भुट्टा कहाँ आ गया इसमें से? फाइनली भाई घर आ गए। बहुत टाइम से भुट्टा खाना चाहते थे, अब खाएंगे भुट्टा। उसके बाद बाहर जाना है, सामान लेना है, प्रिंट आउट निकलवाने हैं, टिकट्स के एंड ऑल, मतलब टिकट के, टिकट्स नहीं, टिकट के। देखते हैं क्या होता है। मैं यार सच में, बाहर का मौसम जितना सुहाना दिख रहा है, उतना ही गर्म है यार, बहुत गर्म है इतना बाहर। क्या हुआ? लगाओ लगाओ, जान लगाओ, क्या पता तुम्हारा हाथ दीवार पे लग जाए। खींचो खींचो, देख। वाह, अंदर का जानवर जाग गया तुम्हारा, कर दिया एक को नंगा। नहीं भाई, क्या क्या हो गया इसको? ये तो व्हाट इज दिस? अच्छा कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, पर जब तक भैया ये, जब तक ये भुट्टे बना रही है, तब तक थोड़ा गिटार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्यून नहीं है अब, सही है ना? इसकी स्ट्रिंग बहुत टाइट है, दर्दनाक एकदम। फाइनली आ गया भाई। बट अभी हम कर रहे थे पुराने दोस्त, मतलब पुराने दोस्त वाले, मतलब वो मेरा पुराना गाना है जो मेरे दोस्त की तरह है, तो उसकी प्रैक्टिस। और वो ये है, शायद से तुमने कभी सुना भी होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा चला नहीं और मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो सॉरी। मतलब पहले बहुत अच्छे से आता था, बट प्रैक्टिस छूट गई।
बस थैंक यू, इतना ही आता है। अब खाने पे फोकस करते हैं। बाय बाय। फाइनली भाई, दादी का टिकट और बाकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर के वो सब प्रिंट आउट करा लिए हैं। अब घर जा रहा हूँ, जल्दी से घर पहुँचना है क्योंकि बुआ लोग आने वाले हैं। भाई फाइनली घर आ चुके हैं, बाहर हल्ला हो रहा है, आई नो। बाकी चलो यार, अभी जल्दी से मैं फ्रेश होता हूँ और थोड़ा सा सिलेंडर लगवाने में हेल्प करनी है। सिलेंडर उठा के ले आता हूँ, मैं ही जाता हूँ। रुको, ये लोग अपनी अक्ल लड़ा रहे हैं भाई। या तो मैं ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ या सिलेंडर हल्के हो गए हैं। यार सच में मेरी बिल्कुल जान नहीं निकली सिलेंडर ले जाने में किचन तक, वरना पहले तो मेरी सांस फूल जाती थी। अभी तो मेरे को लगता है मुझे भी फ्लाइंग बीच की तरह स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा इन लोगों का। फिर बड़ा हल्का सा लगा मुझे भरा हुआ सिलेंडर। चलो भाई फाइनली हम तो हो गए फ्रेश, अंदर बहुत लोग भी आ गए हैं तो मिलने चलते हैं। यार मैं ना अभी ऐसे ही इंस्टा को स्क्रॉल कर रहा था, अपने इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये दिखा। यार सच में इस बचपन की याद को तो मैं भूल ही चुका था, ये अपने दोस्त को घर समझाना, वो भी ऐसे ड्राइंग बना के पूरा मैप बना के। यार इसने तो सच में स्कूल के दिन याद दिला दी, ये चीज़ मैं बिल्कुल भूल गया था। वेल गाइस, बुआ अभी चली गई हैं और हमने खाना पीना खा लिया है, सबके फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि कल दादी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि दादी शाम को जा रही है और सब इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रहे हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं। पर जो भी भाई, देखो 12 बजने वाले, तो अब तो हम जा रहे हैं सोने भैया। कल मिलेंगे आपसे, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। और हो सकता है कि कल काफ़ी भाग दौड़ हो।